to this next thing, अगर जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं या जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनके लिए जो खास डाइट प्लान्स होते हैं स्मॉल पोर्शंस में होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए, ये कुछ बताएं। इजी टू डाइजेस्ट फूड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इतना काम कर रहा है, यू नो, लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, लिवर पे प्रेशर पड़ रहा है, किडनी पे प्रेशर पड़ रही है फिलहाल। तो हम ऐसा खाना खाएंगे जो डाइजेस्ट होने में इजी होए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, बैड फैट्स कम, गुड फैट ज्यादा। कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, हल्का सा सनफ्लावर ऑयल आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, सेसमी ऑयल हल्का सा आप ले सकते हैं, बट जो ओवरऑल बहुत फैटी फूड्स है उसको कम कर दीजिए। थर्ड थिंग, मैंने जैसे बताया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को थोड़ा ज्यादा इंकॉर्पोरेट करेंगे। हम सूप्स ले सकते हैं, हॉट सूप्स, हॉट लिक्विड्स, क्योंकि अभी फिलहाल अगर कुछ भी ठंडा खाएंगे, यू नो, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आइसक्रीम वगैरह, ठंडा पानी फ्रिज में से लेंगे तो इमीडिएटली सोर थ्रोट पकड़ जाएगा। And that is also an open invitation for any kind of infection to come inside the body. So hot liquids very important. I know it's summer, but try कीजिए कि जितना गरम काढ़ा, गरम सूप, हल्दी वाला दूध, और हमारे घर पे वेजिटेबल सूप्स बना के, ब्रॉथ्स बना के हम पी सकते हैं। So try कीजिए कि ये सब एक दिन में आप ज्यादा लें, so that you know your throat stays warm, your overall body starts learning how to fight infection.